अस्सलाम वालेकुम। आज हम धोती ड्रेस बनाएंगे। धोती ड्रेस बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए और 2 मीटर कपड़ा लेके मैंने इसको इस तरह से फैला दिया और इसको इस तरह से ट्रायंगल बना के इसको फोल्ड कर दिया। और ये जो बाकी का पीस आपको नज़र आ रहा है, हम इसको इसकी कटिंग कर देंगे, इसको काट के अलग करना है। ठीक है, ये मेरे पास स्कर्ट पड़ा हुआ था तो स्कर्ट का मैंने जो है वो धोती ड्रेस बना रही हूँ। ये जो नीचे वाला पार्ट है वो मैं बना रही हूँ। ठीक है, पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये काट के हम अलग कर लेंगे। और ये जो बाकी का जो मैंने ये जो ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल शेप में बनाया है, हम इसको जो है वो धोती ड्रेस के वो जो नीचे वाला पार्ट है उसमें लेयर डालने के लिए रख लेंगे। ये बाकी का जो है सारा पार्ट ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने इसकी सारी कटिंग ये अब मैं इसके सेंटर पे निशान लगाऊंगी प्लेट डालने के लिए। ठीक है, और ये कॉर्नर पे एक कॉर्नर पे निशान लगा लिया और ये दूसरे कॉर्नर पे अब मैं निशान लगा रही हूँ। ठीक है, और अब मैं शर्ट लूँगी, जो शर्ट मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, स्कर्ट के साथ जो शर्ट थी इसको मैं इसके साथ इसको प्लेट डालूँगी। अब इसको मैं स्क्रू करके, ठीक है, इसको मैं इसके भी सेंटर पे निशान लगा लूँ। जिस तरह मैंने वो इस कपड़े पे निशान लगाया, इसी तरह इस पे भी निशान लगा लूँ। ये देखिए, मैंने ये निशान लगा लिए। ठीक है, अब हम इसमें प्लेट डालें। ये कॉर्नर लिया, कॉर्नर पे मैंने जहाँ पे ये कॉर्नर है, कॉर्नर के रूप पे मैं ये प्लेट डालूंगी। ये इस रूप पे सारे ये प्लेट डाले जाएंगे। ठीक है, ये टोटल जो फ्रंट वाला हिस्सा वो आगे से ओपन है, तो इसको मैंने जो फ्रंट का जो एक पार्ट है उसको मैं 10 इंच में कवर करूँगी। ठीक है, ये आप 1 से 1.5 इंच का प्लेट डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको पिनों के साथ इसको मैं कवर कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको पिनों के साथ कवर करूंगी, फिर बाद में इसको मशीन के साथ इसको पक्का करूंगी। ये भी डाल दी। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया था। ठीक है, ये स्कर्ट में जो है वो 2 मीटर का कपड़ा था। आप अगर इसको आप ज़्यादा लॉन्ग बनाना चाहें और ज़्यादा घेर में रखना चाहें तो आप 2 मीटर से ज़्यादा कपड़ा भी रख सकते हैं। ये देखें, ये फ्रंट वाला जो है ये मैंने फ्रंट का 1 पार्ट जो है वो कवर कर लिया। ये देखिए, ये तकरीबन 10 इंच तक मैं इसको कवर करूँगी। इसका एक मरहला तो कवर होने वाला। ठीक है, ये देखिए, ये तैयार हो गया। ये जो फ्रंट है, फ्रंट पे मैंने ये इस तरह से प्लेट डाली है। ठीक है, दोनों साइड पर, और बैक साइड पे मैंने एक साइड पे प्लेट डाले हैं। ये देखें, इस तरह से इसकी शेप आएगी बैक साइड पे। ये देखें, ये इस रुख पे हमने इसको प्लेट डाले हैं। ठीक है, और ये दूसरी साइड है, ये इस पर मैंने भी प्लेट डाली। ये देखें, ये प्लेट डल चुके हैं। ठीक है, ये फ्रंट है और ये शर्ट है। ये शर्ट के साथ अटैच करके ये देखें, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। इसको मैं इसके साथ अटैच करूँगी और इसको मैं हाथ के साथ ही कच्चा कर लूँगी। हाथ के साथ कच्चा करने के बाद हम इसको मशीन के साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसको हाथ के साथ इसको उल्टा करके इसको हाथ से कच्चा, आइए इसको हम हाथ से सिलाई लगाते हैं। ये देखें, सीधी साइड मैंने अंदर रखी है और उल्टी साइड दोनों शर्ट की भी और ये जो धोती पार्ट की जो साइड है उल्टी साइड से मैं इसको लगाऊंगी। ये देखें, ये एक साइड पे लगा लिया, इस तरह से इसकी शेप आई। ठीक है, अब मैं दूसरे पार्ट पे ये लगाऊंगी। बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये धोती ड्रेस। हम इसको धोती मैक्सी का नाम भी दे सकते हैं, फ्रॉक का नाम भी दे सकते हैं और धोती ड्रेस का नाम भी दे सकते हैं। ये देखेंगे मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। ये ओल्ड ड्रेस को हम न्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप कोई भी आप ओल्ड शर्ट और उसके साथ दुपट्टा जो है दुपट्टे को आप इस तरह से कन्वर्ट कर लें, प्लेट्स डाल लें और शर्ट को काट के आप बना के तो आप इसका इस तरह से धोती ड्रेस भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ईजी है। ये देखें, देखने में इसकी लुक भी अच्छी लग रही है। अब मैं ये बैक साइड पे प्लेट डाल रही हूँ। ये भी हमारा कवर हो गया। ये स्टिच हो गया, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आएगी और फ्रंट से आप देख सकते हैं, फ्रंट से ये ओपन है। यहाँ पे आप इसको हल्की से एक सिलाई लगा सकते हैं, थोड़ी सी 10 इंच की। यहाँ पे एक स्ट्रिप बना के आप इस पर लगा सकते हैं। ये देखिए धोती ड्रेस रखी है। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।